स्वागत है आपनो एक फरी थी आपनी कंपनी नी अंदर मार्केट्स ऊपर एक नजर करी लो। 17,382 ना लेवल्स पर छी आपणे 60 पॉइंट्स ऊपर अने बैंक निफ्टी माटे 150 पॉइंट्स नो घटाडो छे जे अत्यारे इंटैक्ट छे अने रादर आपणे 37,800 फरी थी रिक्लेम करी रह्या छे। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव, एडवांसेस वधारे छे डिक्लाइनिंग काउंटर्स करता। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन्स मां बैंकिंग नेम्स थोड़ुक ड्रैग करवानुं ट्राय करी रह्या छे जे रीतना आपणे चर्चा करी, बट एनी सामे जे सेक्टर थोड़ुक हेल्प आउट करी रह्युं छे एनी अंदर ऑटो नेम्स छे। नजर करो, बजाज ऑटो 1.5% ऊपर छे। टाटा मोटर्स में लगभग 1.25% की मजबूती छे। हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन जोन में 0.5% थी वधारेना मूव्स आपी रह्यु छे, तो त्यांथी एक सारो सपोर्ट छे। अने हेवी वेट HDFC छे जे नियरली 2.5% ऊपर आई चुक्यु छे अने ज्यांथी थोड़ुक सपोर्ट आगळ इन्कल्केट थई रह्यो छे। एनर्जी इंडेक्स आजे 1.5% ऊपर छे, जे हाइड्रोजन पॉलिसी ने लईने आपणे थोड़ाक डिस्कशन्स कर्या छे। फेज 1 अनवील थवानो छे, एनी एंटिसिपेशन्स में આ બધા કાઉન્ટર્સ થોડુંક પોઝિટિવ રિએક્ટ કરી રહ્યા છે એનર્જી સાથે સંકળાયેલા, તો ત્યાં બી એક ધ્યાન રાખો। આગળ વધીએ, આપણી સાથે જિંદાલ સ્ટેનલેસ અને ગ્રુપ CFO અનુરાગ મંત્રી જોડાઈ ચુક્યા છે। શુક્રિયા સર મેરે સાથ જુડને કે લિયે। સબસે પહેલે યે ક્વાર્ટર કૈસા થા, કુછ ડિટેલ સે શરૂઆત કરે। અબ ડિમાન્ડ કન્ડિશન કિસ તરીકે સે વર્કઆઉટ હો રહી થી, એક આઈડિયા અગર આપ મુજે દે પાએ। तो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स थोड़े डाउन थे लाइक ऑटो एंड रेलवे, लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि हमारे जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम काफी सेक्टर्स को सप्लाई करते हैं, तो अगर कोई एक सेक्टर पर्टिकुलर डाउन होता है तो उसको हम मेकअप कर पाते हैं दूसरे सेक्टर की। तो इस लास्ट क्वार्टर में हमने देखा जैसे लिफ्ट एंड एलिवेटर सेगमेंट, सम ऑफ द इंफ्रा मार्केट वॉज एक्चुअली डूइंग वेल। उसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा रहा लास्ट क्वार्टर, हमने एक्सपोर्ट डबल किया बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में सम ऑफ द लोअर एंड पे कुछ इंपोर्ट कंपटीशन था, तो उसके कारण हमने एक्सपोर्ट को, अगर हम साल ईयर ऑन ईयर देखें तो एक्सपोर्ट 15% से 30% पे ले गए। तो इस जैसे एक्सपोर्ट अच्छा रहा लास्ट क्वार्टर, लिफ्ट एंड एलिवेटर एंड एस्केलेटर सेगमेंट्स बहुत अच्छे रहे हमारे लिए, तो इसके चलते ओवरऑल हमने जो अच्छा डिमांड ग्रो सेल्स ग्रोथ किया एज वेल एज ऑन द एबिटा पार्ट एंड आल्सो वी मेंटेन। ओके अग्रीड सर। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स यहां से किस तरीके से चीजें आप आगे फ्रुक्टिफाई होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इस बार के नंबर्स के अंदर अच्छा एक इजाफा तो दिख रहा है। 9 मंथ्स के जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं उसमें भी यहां से ट्रेजेक्टरी कैसे वर्कआउट होगी, अगर आप बता रहे डिमांड कंडीशन अच्छी है तो क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं हम? जो FY22 है जो हम सोच रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 20% से ऊपर हम FY22 में वॉल्यूम ग्रोथ दे पाएंगे। FY23 थोड़ा सा जल्दी है कहना, बट एटलीस्ट 10% वॉल्यूम ग्रोथ वी आर स्टिल टारगेटिंग इन FY23, बट FY22 श्योरली वी विल बी एबल टू डिलीवर ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ वॉल्यूम। अग्रीड सर। अच्छा इसके अलावा क्योंकि आप एबिटा पर टर्न की बात भी कर रहे थे, यहां से Q4 को लेकर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, एक आउटलुक अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाए तो? सो एबिटा पर टर्न हमने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि हमारा जो हम पूरे साल का मतलब FY22 का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमने गाइडेंस दिया था 24,000 से 25,000 रुपए एबिटा पर टर्न। नाउ अभी जो सिचुएशन दिख रहा है एंड दो थोड़ा सा ग्लोबल चैलेंजेस एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कॉन्फिडेंट है कि हम वो गाइडेंस बढ़ा के कि 27,000 रुपए एबिटा पर टन हम ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे FY22 में डिलीवर कर पाएंगे। ओके अग्रीड। एक या दो चीजें जो मुझे और डिस्कस करनी है वो सर इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, केपेक्स किस तरीके से लाइंड अप है नेक्स्ट ईयर के लिए भी और Q4 में भी किस तरीके से हो पाएगा, और साथ ही एक डेट कंडीशन, क्योंकि हम लोग मर्जर को लेकर अपडेट्स आते हुए देख रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइमलाइंस किस तरीके से बन रही है और गिवन दैट कंडीशन मर्ज एंटिटी में डेट लेवल्स कहां तक पहुंचते हुए देखेंगे हम लोग, इस पे अगर आपने कुछ वर्कआउट किया है आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट। हाँ, तो आपने सबसे मैं आपके आप सबसे पहले कैपेक्स के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। कैपेक्स में आपने पूछा है, तो कैपेक्स में हमने गाइड किया था कि हमारा जो अभी करंट कैपेक्स प्लान चल रहा है 2600 करोड़ का है, जिसमें से ये हमने कहा था कि जो डिलीवरीज होंगी वो हमने टाइमलाइन दी थी जो 15 से 18 महीने की डिलीवरी टाइमलाइन। तो इसमें से मैं बता दूं जैसे एक स्पेशल प्रोडक्ट डिविजन का कैपेक्स था जो हमारे हिसार प्लांट में, वो कंप्लीट हो गया था लास्ट क्वार्टर, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अगर न्यू जो हमने डबल की थी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा फोकस जो है कि बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पे है, तो ये कैपेसिटी हमने डबल की थी जो इस कैपेक्स के अंदर
एंड ऑलमोस्ट नाउ वी आर रनिंग एट 80% ऑफ द इंक्रीज कैपेसिटी इन फॉर द स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन. तो इससे क्या होगा, आगे जाके हमारा जो ओवरऑल मिक्स में स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन का शेयर और बढ़ेगा. तो ये कैपेक्स भी टाइम से डिलीवर हो गया है और रैंप अप भी टाइम से हो रहा है. जो दूसरे कैपेक्स है वो भी ऑन ट्रैक है. एंड जो हमने कहा था जैसे इससे डिलीवरी क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर में हमने जो कहा था वो डिलीवरी वी विल बी एबल टू मैनेज दैट इन दिस ईयर. तो वो अभी ट्रैक पे है. कॉस्ट वाइज कैपेक्स का ऑलमोस्ट 75% कॉस्ट कमिट हो गया है. तो अभी हम कोई ऐसा वी आर कॉन्फिडेंट कि हम ये कैपेक्स टाइमली एंड अ फास्ट पेस मैनर ऑल्सो विदिन द कॉस्ट डिलीवर कर पाएंगे. और जो हमने अभी दिखाया भी है लाइक स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन का कैपेक्स हमने टाइम से पहले ही पूरा कर लिया और उसका रैंप अप भी हमने विद इन 3 महीने हम ऑलमोस्ट न्यू कैपेसिटी के 80% यूटिलाइजेशन पे पहुंच गए. क्योंकि ये सब ब्राउनफील्ड कैपेक्स है तो इसमें बहुत ही कम जेस्टेशन पीरियड होता है. क्योंकि हमारी हमारा एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी पे, हमारा एक्सपर्टीज ऑन द प्रोडक्ट ऑन द सेल्स साइड. तो इससे इस सबके चलते हम इसको फास्टर रैंप अप कर पाते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कंबाइंड एंटिटी पे डेट लेवल का. तो कंबाइंड एंटिटी का जो डेट लेवल अभी चल रहा है वो अराउंड 3,400 करोड़ है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के. नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो बिकॉज कैपेक्स चल रहा है तो हमारा ये जो डेट लेवल है हम वी आर एक्सपेक्टिंग हम 3,500 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर के एंड में भी क्लोज करेंगे. दो मेन चीज हम मॉनिटर कर रहे हैं डेट लेवल पे कि जो हमारे रेशियोज हैं वो बहुत अच्छे रहे. तो डेट इक्विटी और डेट एबिटा अगर आप देखेंगे तो डेट इक्विटी अभी हमारा है 0.5 विच इज और डेट एबिटा है 1 से नीचे. तो दोनों केस में दोनों ही मेटल इंडस्ट्री और जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत हाईली कैपेक्स इंटेंसिव है. वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज वी आर मेंटेनिंग इन द मेटल इंडस्ट्री. तो वी विल बी क्लोजली वॉचिंग दिस एंड वी विल बी ट्राइंग टू मेंटेन द रेशियोज वेरी इन अ प्रूडेंट फैशन. एंड हमारा आपने देखा होगा इसी के चलते हमने रेटिंग भी अपग्रेड हुआ है लास्ट क्वार्टर इस क्वार्टर. इनफैक्ट जनवरी माह में हमारी रेटिंग AA- पहुंच गई. तो वो भी एक बहुत बड़ा बिकॉज जो हमने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाया है तो उसके चलते हमारी जो रेटिंग है वो फास्टेस्ट अपग्रेड हुई है. इनफैक्ट अगर 12 महीने में देखें तो हमारी रेटिंग 2 कैटेगरी बैंड से बढ़ी है और ऑलमोस्ट 5 नॉच बढ़ी है. सो वी वर एक्चुअली BBB 12 महीने पहले, अभी हम AA- कैटेगरी पे रेंज पे पहुंच गए हैं. तो वो भी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग शो करता है कि हमारा बिजनेस मॉडल कितना रोबस्ट हमने कन्वर्ट किया है और ऑल्सो बैलेंस शीट को कितना स्ट्रॉन्ग किया है. ओके, बिल्कुल अग्रीड सर. मेरे पास समय थोड़ा कम है तो अगली बार जब हम लोग डिस्कशन करें और डिटेल में कर पाए इसी उम्मीद के साथ. थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए. यानी साथ ही स्टॉक ने ऊपर एक रिएक्शन नजर कर लो. नियरली 200 ना मार्क्स की आसपास कार्यरत है और ध्यान रखते रहो मैनेजमेंट जो प्रमाण अगर आउटलुक आप कई रीत वर्कआउट करे ऑलमोस्ट 200 ना लेवल्स की आसपास स्टेबिलाइज्ड. यानी साथ ही आ शो में आटलू मैंने भी आपसो रजा. नमस्कार.